नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार सेन आप सभी का नवभारती परिवार में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम इंग्लिश के कुछ वर्ड मीनिंग्स जो हैं या हम बात करें कुछ सिनोनिम्स जो हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। अगर आपने अब तक मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसको ज़रूर देखें। क्यों? क्योंकि हमारी ये जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज में हम इंग्लिश की जो वर्ड मीनिंग्स जो हैं, जो कि इंग्लिश का बेस होती है, उसको हम सिंपल वे में पढ़ रहे हैं। इसलिए मैंने इसका जो नाम रखा है वो भी इसका नाम इंग्लिश इन सिंपल वे, मतलब हम साधारण तरीके से, हम बिल्कुल सिंपल वे के द्वारा किस प्रकार से अंग्रेजी की जो वर्ड मीनिंग्स है हम उनको याद कर सकते हैं, सिनोनिम्स जो हैं हम उनको याद कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग की और सिनोनिम्स की। और सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले हमारे आज की जो पहली वर्ड मीनिंग है, पहली जो स्पेलिंग है बहुत सिंपल सी है और वो है SOLE, सोल। सोल, SOLE, सोल। सोल मीन्स एकमात्र, सोल मीन्स एकमात्र, ठीक है। देखो अगर इसके सिनोनिम्स की मैं बात करूं तो इसका सिनोनिम्स जो होगा वो होगा ओनली। लेकिन बात ये आती है हम इसको याद कैसे करें, क्या बेस बनाया जाए, क्या लिंक बनाया जाए जिसके द्वारा हम इसको याद करें। तो देखिए SOLE, आपको इसको जो याद करनी है, आपको इसको याद करनी है, एक बहुत ही प्यारी मूवी थी और उसका नाम था शोले। क्या नाम था? शोले। तो आपको जो ये स्पेलिंग जो याद करनी है सोल, वो आपको याद करनी है शोले मूवी से, ठीक है। और शोले मूवी जो है वो एकमात्र दमदार मूवी थी, ठीक है, जिसमें अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की बहुत दमदार जोड़ी रही, जिसमें बसंती कुत्तों के सामने नहीं नाचती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि शोले मतलब एकमात्र, ठीक है। तो SOLE, सोले, ऐसे भी कह सकते हैं कितना ले, सो ले, सोले, कितनी बार, एक बार, मतलब एकमात्र, ठीक है। इसको एकमात्र हिंदी में इसका जो अनुवाद है, और पर्यायवाची की हम बात करें, इसका सिनोनिम्स की बात करते हैं, तो इसका होगा ओनली। चलते हैं हम दूसरी स्पेलिंग की ओर। दूसरी हमारी जो स्पेलिंग है वो है सोलेस, SOLACE, सोलेस। सोलेस मीन्स RELIEF, रिलीफ, जिसे हम कहते हैं रिलीफ मीन्स आराम, रिलीफ मीन्स आराम। अब बात कर रहे हैं कि सोलेस को हम कैसे याद करें, सोलेस को हम जो याद कर रहे हैं, ठीक है, इसका हमारा तरीका क्या है। तो सोलेस को याद करने का जो हमारा तरीका है वो ये है कि थोड़ा सा क्या कर ले, सोले, थोड़ा सा क्या कर ले, सोले। जब व्यक्ति थोड़ा सा सो लेगा, थोड़ा सा आराम कर लेगा, ठीक है, थोड़ा सा सोएगा तो क्या मिलेगा उसे, आराम। एक व्यक्ति है जो थोड़ा परेशान हो रहा है तो हर कोई व्यक्ति उसको क्या एडवाइस करेगा, क्या सलाह देगा कि बेटा थोड़ा सा सो ले, और जब सोता है व्यक्ति तो उसे क्या महसूस होता है, आराम। बोलो उसे क्या महसूस होता है, आराम। तो इसको याद करने का तरीका है सोलेस, थोड़ा सा सो ले, ध्यान रखना शोले, शोले नहीं है यहां पर, ठीक है, वो SOLE था, कंफ्यूज मत हो जाना, वहां पर SOLE वो सोल था, ठीक है। और उसमें शोले को एक बेस बनाया गया था, शोले मतलब एक मूवी जो एकमात्र मूवी थी, ठीक है, दमदार मूवी थी। अब बात कर रहे हैं यहां पर सोले मतलब आराम कर ले,
हर कोई बोलता है कि थोड़ा सोले 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 सोलेस, तो सोलेस मतलब रिलीफ, आराम करते हैं। चलते हैं दूसरी स्पेलिंग की ओर, ठीक है। तीसरी हमारी जो स्पेलिंग है वो है MORBID, मोर बिड, मॉर्बिड। मॉर्बिड का सिनोनिम्स अगर हम बात करें तो वो होगा UNHEALTHY, अनहेल्दी। मॉर्बिड का जो सिनोनिम्स जो होगा वो होगा अनहेल्दी, ठीक है। हम बात कर रहे हैं मॉर्बिड को कैसे याद करें, तो मॉर्बिड को सीधा सा याद करने का तरीका है मॉर यानी ज्यादा, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हैं कि MORE मोर होता है, मोर यानी ज्यादा होता है, तो मोर यानी ज्यादा, और बिड को आप याद कर सकते हैं बीडी, मोर बिड मतलब ज्यादा। बिड को क्या मानो आप, बिड का बेस क्या बनाया, बीड़ी, कि ज्यादा बीड़ी पियोगे तो क्या बन जाओगे, अस्वस्थ हो जाओगे, मोर बिड, अस्वस्थ बन जाओगे, मोर बिड मतलब अस्वस्थ। तो हम बात कर रहे हैं कि ज्यादा बीड़ी पीने से क्या हो जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसकी जो ट्रिक बनी वो बनी मोर और बिड। बिड का हमने बेस क्या बनाया, बीडी, और इसका क्या बन गया, अनहेल्दी, अनहेल्दी मतलब अस्वस्थ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्पेलिंग की ओर। हमारी जो अगली स्पेलिंग है वो है BLITHE, ब्लिथ, ठीक है। ब्लिथ की बात करते हैं तो ब्लिथ का जो सिनोनिम जो होगा वो होगा हैप्पी, क्या होगा, हैप्पी। ब्लिथ का सिनोनिम बनेगा वो बनेगा हैप्पी। अब बात करते हैं इसको याद कैसे करें, तो देखिए ब्ली में क्या निकल रहा है, ब्ली में निकल रहा है बली, क्या निकल रहा है, आपको इसको याद करना है, ब्लीत में बली, ठीक है। और द का यूज किसी विशेष चीज के लिए किया जाता है, तो यहां पर जब कोई विशेष बलि दी जाती है काली माता को, जब कोई विशेष बलि अपन प्रदान कर रहे हैं तो काली माता क्या हो जाएगी, खुश हो जाएगी। तो यहां पर देखिए काली माता को हमने क्या दे दी, बलि दे दी, तो बलि देने से काली माता क्या हो गई, हैप्पी हो गई, ठीक है। बलि कौन लेती है, काली माता बलि लेती है, ठीक है। और हमने उसको बलि दे दी तो बलि से क्या हो गई, काली माता खुश हो गई, हैप्पी हो गई। तो बलि ब्लिथ, BLI ब्ली, और THE का मतलब द जो है, जो कि आपके एक आर्टिकल है उसका यूज करते हैं, तो ब्लिथ मीन्स हैप्पी, ठीक है। चलते हैं अगली स्पेलिंग की ओर। अब हमारी जो स्पेलिंग है वो है मैग्निफिकेंट, तो MAGNI, मैग्निफिकेंट, FICENT, मैग्निफिकेंट, ठीक है। और मैग्निफिकेंट का सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो मैग्निफिकेंट का सिनोनिम बनेगा GRANDEUR, ग्रैंडियर। मैग्निफिकेंट मींस शानदार, मैग्निफिकेंट मींस शानदार। अब इसको बात यह है कि याद कैसे करें, इतनी बड़ी स्पेलिंग है कैसे याद करें। सो सिंपल, देखो क्या लिखा है शुरू में, मगनी में, मगनी जानते हो ना, मगनी होती है, ठीक है। तो मगनी जब होती है तो
उस मंगनी में सबने सेंट लगाया। बोलो क्या लगाया? सबने सेंट लगाया। और सेंट भी सबने कैसा लगाया था पता है? जब शादी में अपन जाते हैं तो कैसा सेंट लगाते हैं, परफ्यूम कैसे लगाते हैं, सब के सब शानदार शानदार परफ्यूम लगाते हैं। और वैसे भी मंगनी जो होती है, सगाई जो होती है, वो मंगनी शानदार तो होती है। तो यहां पर याद हो गया बच्चों कि सबने मंगनी में क्या लगाया? मंगनी में सबने सेंट लगाया। और सेंट भी कैसा था? शानदार। तो स्पेलिंग याद हो गई हमको, मैग्निफिकेंट, मंगनी में FIYFI हाईफाई सेंट लगाया। मंगनी में हाईफाई क्या लगाया? सेंट लगाया। तो मंगनी में हाईफाई सेंट लगाओगे तो क्या बन जाएगी? मंगनी शानदार बन गई। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम ग्रैंडियर। क्या बोलेंगे इसको? ग्रैंडियर। ठीक है, अब हमारी जो स्पेलिंग है वो है इंडस्ट्रियस। तो INDUSTRIOUS, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस, अब पता है इंडस्ट्रियस जो वर्ड बना है तो इंडस्ट्रियस जो वर्ड किससे बना है? ऑब्वियसली इंडस्ट्री से बना है। और इंडस्ट्री में क्या होता है? इंडस्ट्री में हार्ड वर्किंग होती है। इंडस्ट्री में क्या होती है? तो इंडस्ट्री में होती है हार्ड वर्किंग। मतलब इंडस्ट्री में जो काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वो कैसे होते हैं? सब मेहनती होते हैं। कैसे होते हैं? मेहनती होते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियस से क्या बना? मतलब इंडस्ट्रियस को हमने कैसे याद किया? इंडस्ट्रियस वर्ड जो बना है वो इंडस्ट्री से बना है। और इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री में क्या होती है? इंडस्ट्री में हार्ड वर्किंग होती है, मेहनत होती है। ठीक है, तो ये तो सो सिंपल है, हमको याद हो गया। चलते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला हमारा वर्ड है वो है DETESTI। ठीक है, डेटेस्ट। डेटेस्ट, अब देखिए इसका नाम से ही पता लग रहा है, DE मतलब दे, और TEST टेस्ट, देखो पता ही लग रहा है इसका मीन्स क्या होगा। दे टेस्ट, दे टेस्ट। जब पता है बच्चे जब बोर्ड क्लासेस में बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, उनसे स्कूल में इतने टेस्ट लिए जाते हैं, हर सब्जेक्ट टीचर उनसे टेस्ट लेता रहता है। और बार बार उनको सिर्फ एक ही बात बोली जाती है, तू दे टेस्ट, दे टेस्ट, दे टेस्ट। तो टेस्ट के नाम से उनको, बच्चों को क्या हो जाती है? उनको हेट होने लग जाती है, घृणा हो जाती है ना? टेस्ट के नाम पे उन बच्चों को क्या हो जाती है? घृणा हो जाती है। उनसे बार बार में उनको टेस्ट देने के लिए बोला जाता है, दे टेस्ट, दे टेस्ट। मंडे को तो इतने टेस्ट लिए जाते हैं जैसे संडे को पढ़ाई की बाढ़ आ गई हो। ठीक है, तो यहां पर बच्चा टेस्ट के नाम से क्या करने लग जाता है? घृणा करने लग जाता है। ठीक है, तो ये हमको याद हो गई, सो सिंपल वे, दे टेस्ट से हेट होने लग गई। क्लियर, तो ये था हमारा वर्ड, हमें डन हो गया। चलते हैं अगले वर्ड की ओर। हमारा वर्ड जो है वो है ग्लूमी। ठीक है, अब देखो बच्चों, ग्लूमी, ग्लूमी में क्या होगा? आप इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने का सो सिंपल तरीका है, इसको आपको याद करना है गुलामी। आपको इसको क्या याद रखनी है? गुलामी। ग्लूमी जो है, ग्लूमी को आपको कैसे बेस बनाना है याद करने के लिए? तो ग्लूमी को आपको याद करना है गुलामी से। ग्लूमी शब्द को आपको गुलामी का बेस बनाकर याद करना है। तो गुलामी को आप याद रखो, तो पता है गुलामी के अंदर व्यक्ति कैसा रहता है? जब एक व्यक्ति किसी दूसरे की गुलामी के अंदर रहता है तो ऑब्वियसली कैसा रहता है? सैड रहता है, दुखी रहता है। एक व्यक्ति जब ग्लूमी रहता है, गुलामी में रहता है, तो कैसा रहता है? उदास रहता है, सैड रहता है। ठीक है, तो ये वर्ड हमारा क्लियर। हमारा अब है TEDIUM, टेडियम।
अब टेडियम को कैसे याद करें? सो सिंपल, देखिए टेडियम की छोटी सी कहानी है। हम स्टेडियम में गए, ठीक है, और स्टेडियम में जो हमारा फेवरेट कलाकार था, आपका जो भी फेवरेट कलाकार है, महेंद्र सिंह धोनी है या सहवाग है या मान लो जो भी है, ठीक है, वो क्या हो गया, वो आउट हो गया। वो आउट हो गया, बाकी जो प्लेयर थे वो इतने कोई छक्के चौके लगा नहीं रहे, वो बैठे बैठे धीरे धीरे एक एक दो दो रन ले रहे हैं। अब कंडीशन ये हो गई कि इतना अच्छा मैच नहीं चल रहा, तो हम कहाँ गए, स्टेडियम। स्टेडियम में से एस की हटा दिया, एस हटा दिया, बच गया स्टेडियम, बच गया। तो हम स्टेडियम में क्या देख रहे थे, मैच, और मैच इतना शानदार नहीं हो रहा था। मैच में इंडियन टीम के जो प्लेयर थे बार बार फटाफट आउट हो रहे थे। तो हम, जब इंडियन टीम के प्लेयर फटाफट आउट होते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, ऊब जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हम ऊब जाते हैं, बोरिंग हो जाते हैं, BORING, बोरिंग। क्या हो जाते हैं, बोरिंग हो जाते हैं, ठीक है, BORING। तो हम क्या हो जाते हैं, बोरिंग हो जाते हैं, हम ऊब जाते हैं। जब हम एक चीज को हम देख रहे हैं और उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, हमें उसमें मजा नहीं आता, तो बच्चों जब किसी चीज को मजा नहीं आता ना, तो वहां पर हम क्या हो जाते हैं, हम भी ऊब जाते हैं, बस उससे हम बोर हो जाते हैं कि हटाओ इसको, हम तो इससे क्या हो चुके, बोर हो चुके। क्लियर? तो हमने क्या याद की बातों बातों में, टेडियम। टेडियम मीन्स बोरिंग। इसको याद कैसे करेंगे, देखो टेडी, जब कोई बात सीधी नहीं होती, टेढ़ी होती है, हमारी समझ में नहीं आती है, तो भी हम क्या हो जाते हैं, उसे बोर हो जाते हैं। जब कोई बात सीधी सीधी होती तो हमारी समझ में आती है, और बात सीधी सीधी नहीं होती है, बात क्या होती है, टेढ़ी होती है, तो टेढ़ी बात से भी हम क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे समझ में नहीं आती। तो टेडियम मीन्स बोरिंग, मतलब ऊब जाना। ठीक है, अगले हमारी स्पेलिंग है, वो है YAHOO, ठीक है, याहू। कुछ याद आया? हाँ, शम्मी कपूर का पुरानी फिल्म का गाना है, कोई मुझे जंगली कहे। हाँ, तो यहां पर याहू का मतलब भी क्या है, याहू शम्मी कपूर उस फिल्म में इसीलिए करता है कि कोई मुझे क्या कहे, जंगली कहे। तो याहू का मतलब क्या है, जंगली है। बोलो याहू का मतलब क्या है, जंगली। सिनोनिम्स क्या होगा, तो YAKI, तो सिनोनिम्स क्या बनेगा इसका, YOKEL, योकल, ठीक है। तो योकल मतलब जंगली या याहू, तो याहू मींस जंगली। अब समझ में आ गया होगा कि शम्मी कपूर उस फिल्म के अंदर बार बार याहू क्यों कहता है, कोई मुझे जंगली कहे क्यों कहता है, क्योंकि याहू का मतलब ही जंगली होता है। वो शुरू शुरू में गाने की शुरुआत याहू से ही करता है, ठीक है, तो याहू का मीन्स क्या होता है, जंगली। क्लियर? अच्छा, अगली स्पेलिंग है MISSIVE, मिसिव, ठीक है। मिसिव जो है इसका सिनोनिम्स क्या होगा, तो मिसिव का सिनोनिम्स होगा LETTER, मिसिव मीन्स लेटर। तो अब इसको हम कैसे याद करेंगे, अब इसको याद करने का तरीका क्या है, तो देखो मिसिव का याद करने का जो तरीका है वो है, तो पहले देखिए इसको याद कैसे करेंगे। इसको याद करने का तरीका यह है कि जब पुराने समय पर हम किसी को याद करते थे, ठीक है, या कोई व्यक्ति किसी को याद करता था, तो याद करने के बदले वो अपनी बात को पहुंचाने के लिए क्या लिखा करता था, लेटर लिखता था, पत्र लिखता था। आपने सुना होगा कबूतर जा जा जा, तो कबूतर क्या लेके जा रहा है, पत्र लेके जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें उसको याद आ रही है अपनी प्रियतमा की, अपनी प्रेमिका की, उसको याद आ रही है, तो वह मिस कर रहा है, तो मिस कर रहा है, तो उसको क्या भेज रहा है, लेटर भेज रहा है, और लेटर भी किसके द्वारा भेज रहा है, कबूतर के द्वारा भेज रहा है, ठीक है। तो मिसिव, मिसिव मीन्स लेटर, मतलब पत्र, ठीक है।
चलते हैं अगले। अगला जो हमारा वर्ड है वो है फेलिसिटी, FELICITY, फेलिसिटी। अब देखिए, आप किसी भी सिटी में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जयपुर में रहता हूँ, ठीक है। तो अगर मेरा शहर फैल रहा है, मेरा शहर बढ़ रहा है, तो मुझे क्या हो रही है? खुशी हो रही है। मुझे क्या हो रही है? खुशी हो रही है, ठीक है। तो फेलिसिटी मीन्स खुशी, ठीक है। और इसका प्रोनंसिएशन, आपका जो सिनोनिम्स जो है वो बनेगा हैप्पीनेस, HAPPINESS. तो इसका जो स्पेलिंग, फेलिसिटी जो है, इसका सिनोनिम्स की हमने जो बात की, तो फेलिसिटी का सिनोनिम्स क्या बनेगा? हैप्पीनेस, ठीक है। तो फेलिसिटी का सिनोनिम्स बनेगा हैप्पीनेस, है ना, खुशी। जब सो सिंपल है, फेलिसिटी, क्या फैली सिटी, हमारी सिटी फैल रही है, हमारी सिटी बड़ी हो रही है। और जब हमारी सिटी फैल रही है तो हमें क्या हो रही है? हमें खुशी हो रही है ना, हैप्पीनेस हो रही है। तो इसे क्या बोलेंगे हम? फेलिसिटी, हैप्पीनेस। चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अगली हमारी स्पेलिंग है सा। अब इसके हम कैसे याद करेंगे? तो देखो, कैसे याद करना है? सब बातें कल, SAB, सब, BATI, बातें, मतलब सब बातें कल। सब बातें कब करेंगे हम? कल करेंगे। क्यों भाई, सब बातें कल क्यों करेंगे? क्योंकि आज का क्या है? क्योंकि आज का है अवकाश। आज का क्या है? अवकाश। सब बातें कल, सबेटिकल, सबेटिकल मीन्स अवकाश। और इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें, तो सिनोनिम्स होता है LEAVE, लिव। लिव मीन्स, ठीक है, लिव मीन्स अवकाश, ठीक है। तो LEAVE, लिव, लिव मीन्स अवकाश, सब बातें कल। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। और हमने हंसते हंसते बिल्कुल एकदम सिंपल वे के अंदर इंग्लिश की जो वर्ड मीनिंग्स हैं, सिनोनिम्स हैं, इसके पर्यायवाची जो हैं, और इसका जो अर्थ है उसको समझने की कोशिश की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दिया गया मार्गदर्शन, दी गई गाइडलाइन, मेरे द्वारा समझाने का जो ये तरीका है, आपको पसंद आया होगा, ठीक है। कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में, कुछ अलग रोचक तरीकों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।